अखिलेश जी, पूरा देश आता है। अखिलेश जी बोलिए। देखिए देखिए, हमारे यहाँ यही खूबी है कि हर कोई अपनी बात रखता है, क्योंकि हर दल स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए। लेकिन इसके बाद भी बड़े काज के लिए हम लोग एक हो रहे हैं। हम भी कह सकते हैं कि अनेकों ऐसे अवसर आए संसद के अंदर, संसद के बाहर, जब पूरा विपक्ष एक था और आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ था, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे कई और एजेंसियों की। ये गलत चीज है मानिक जी, ये गलत। किसान आंदोलन में आम आदमी कहां बीजेपी के साथ? हमें उस पर, हमें, आप लोगों ने तो अपने बिल पास कर दिए थे, किसान बिल पास कर दिए, मतलब जो पार्लियामेंट में पास नहीं हुए थे, सभा में आम आदमी पार्टी ने पास कर दिया था। कैसे मजाक कर रहे हैं? हाँ तो पूरा विपक्ष विरोध कर, बीच में नहीं मेरे भाई, मेरे भाई बीच में नहीं, पूरा विपक्ष उसके विरुद्ध था। आप लोग तो अपने विधानसभा में पास कर दिए थे। हम इस गिनाने, सबकी अपनी अपनी, मैंने कहा हर निर्णल दल, हम लोग मत भिन्न हैं, मन भिन्न नहीं है, हम लोग साथ आ रहे हैं, कोई सरेंडर नहीं कर रहा है। व्यापक काज है, बड़ा इशू है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है, उसके लिए ये सबकी जिम्मेदारी है। और जनता का ये आदेश है, ये जनता का मूड है। और ये भी फैक्ट है कि बीजेपी 150 सीट नहीं पार करने वाली। कहते कहते शर्मा जी ने कह दिया कांग्रेस 17 राज्यों में जीरो है, इसका मतलब हम ही बढ़ने के चांस हमारे ही हैं। अब इससे खराब स्थिति तो कभी होगी नहीं कि जीरो से नीचे जाना है। 17 राज्यों में आपकी 335 सीटें हैं। बहुत संभल संभल कर अखिलेश प्रताप सिंह चल रहे हैं अनुराग भदौरिया के।